गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने ट्रांसपोर्टेशन का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। ठीक है, चैप्टर वन में हमने क्या क्या किया था। चैप्टर वन में हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड थे, ठीक है ना, वाटरवे, एयरवे, ठीक है, सड़कें और रेलवे, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब अपने बेसिकली पढ़ेंगे हाईवे के बारे में। ठीक है ना, हाईवे इंजीनियरिंग यानी सड़कों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सड़कों का अध्ययन किस प्रकार से हम करेंगे। देखिए, लास्ट स्लाइड आपने पढ़ी थी स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। आप लोगों को पता होगा कि हाईवे इंजीनियरिंग का अपने यूज़ करते हैं, उसका स्कोप क्या है। ठीक है ना, हमारा मेन मकसद क्या है। ठीक है, तो बेसिकली अपने जब बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग की, पर्टिकुलरली इंडिया में, तो भारत में सड़कें कैसे आई थी। ठीक है ना, वैसे सड़कों का अध्ययन मैं आपको पूरा बताऊंगा कि सड़कें कितने प्रकार की होती हैं, जो एग्ज़ाम में अपना टॉपिक आता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको हल्का सा हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि भाई हमारे देश में सड़कें जो आई, उसका मुख्य कारण क्या था। हमारे देश में सड़कें कैसे आई, सड़कों का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन हमारे देश भारत में सड़कें कैसे आई, उसका बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, ये महाशय कौन है। ये महाशय हैं लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, ठीक है ना, मतलब जब यहाँ पे कॉलोनियल रूल्स था हमारे इंडिया में, तो उस समय क्या होता कि सन 1856 के आसपास में अगर आप देखोगे तो एक ये महाशय आए थे, ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इन महाशय को इसलिए फेमस हैं, इन्होंने क्या बोला था कि ज़्यादा लगान लेना पड़ेगा, मतलब कि हमको भारत से और पैसा निकालना है, तो और पैसा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ करें कि भारत में जो दूर एरिया है, जैसे मान लो हम बात करें राजस्थान की, मान लो हमारा बीकानेर, मान लो कुछ इंपॉर्टेंट माइंस निकल रही है, कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है बीकानेर में, उनको ले जाना है वहाँ पे, कहाँ पे, सूरत के पोर्ट पर। तो सूरत मान लो ये रहा और ये रहा मान लो बीकानेर, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी कैसे हो, है ना। अगर कनेक्टिविटी होगी तभी तो ज़्यादा लगान लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि हमको मोर लगान चाहिए, मोर लगान के लिए हमें ज़्यादा एरिया तक ट्रेवल करना पड़ेगा ताकि वहाँ से हम और चीज़ों को उठा के ला सकें। ठीक है, तो इसने, जैसे कि मान लो ये हो गया कैप्टन रसल, इन्होंने इनको बोला कि भाई ज़्यादा लगान लेना पड़ेगा। ये बोलता है सर मैं लूँगा ज़्यादा लगान, तो बोला कैसे लोगे, तो कहा कि हम एक प्लानिंग करते हैं कि भारत में हम डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में हमने हाईवे का भी डेवलपमेंट करना है और किससे करना है, सड़कों का भी डेवलपमेंट करना है। तो दो होंगे डेवलपमेंट, एक होगा सड़कों का और एक होगा रेलवे का। तो हमारे जो सिलेबस में पढ़ते हैं हम रेलवे और हाईवे, वो दोनों इसी व्यक्ति की देन है। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, मॉडर्न इंडियन जो का डेवलपमेंट, जैसे हम बोलते हैं आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं इसे, लेकिन इसको हम ऐसा पॉजिटिव भी कह सकते हैं, नेगेटिव ऐसे ही बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सड़कें बनाई ताकि ज़्यादा यहाँ से इकोनॉमिकल ड्रेन कर सकें, ज़्यादा पैसा ले जाएंगे। ठीक है, अमेरिका में, सॉरी ब्रिटेन में जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई है वहाँ से ज़्यादा माल बनेगा, वहाँ से जो अपने फॉरेन गुड्स हैं यानी कि कपड़े वगैरह जो होते थे फॉरेन, वो इंडिया आएंगे, इंडिया में लोग कैसे पहनेंगे, जब ट्रेन से या रोड से उनके एरिया में वो दुकानों तक पहुँचेगा तभी तो फैलेगा ना। तो उनके लिए कनेक्टिविटी के लिए इन्होंने पूरा गेम खेला था। ठीक है ना, उनकी ये प्लानिंग थी कि भाई डेवलपमेंट करना है सड़कों का इंडिया में तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या चाहिए, ज़्यादा लगान चाहिए, तो कौन लेगा, तो इसने सबॉर्डिनेट, ये बोलता मैं लूँगा लगान, यानी कि ये इस व्यक्ति ने बोला कि सर आप टेंशन मत लीजिए, हम अपना काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एकदम एक थ्योरी डेवलप हुई कि ठीक है, हमें ज़्यादा काम करना है तो हमें ज़्यादा सामान भी मिल जाएगा सस्ते में इंडिया से, और हम जो सामान बना के लाएंगे वो इंडिया में पहुँचा भी देंगे। तो पहुँचाने के लिए, जगह जगह फैलाने के लिए तो सबन चाहिए ना। यहाँ मैंने यही लिखा है, देखिए इसको देखते हैं। तो डलहौजी वांट मोर ट्रेड एंड एक्सपेंशन इन इंडिया, मतलब ये चाहता था कि भारत में बहुत सारा ट्रेड और एक्सपेंशन हो, तो इसने स्टार्ट किया मोर कनेक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जुड़े हैं। ठीक है ना, किसके थ्रू, रोड से और रेलवे के थ्रू। ठीक है, ताकि क्या हो, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है वो हम इजीली मिल जाए, और जो हमने सामान बनाया है कहाँ पे, यूके में, ब्रिटेन में, वो यहाँ पे इंडिया में हम रिमोट लोकेशन पे पहुँचा सकें। ठीक है, तो एक प्रकार से पूरा इकोनॉमिकली, पूरा उसके पीछे पूरी इकोनॉमिक थ्योरी थी भारत में सड़कों को बनाने के लिए। तो हम बोलते ना, जैसे कि आज लोग बोलते हैं सर हमें जेएन की तैयारी करनी है, क्या कहाँ जाना है, पीडब्ल्यूडी, तो ये सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो बनाया था वो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था इंडिया में, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, उसी तरह पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो सब इसकी देन थी। ठीक है ना,
तो इंडिया में सड़कें जब आई थी इसी के कारण आई थी, इसने ही सड़कों का विकास किया था भारत में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो वो तो बात हो गई थी हमारे लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है ना। तो उसने कैसा किया, अब देखिए हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में हाईवे डेवलपमेंट कैसा हुआ, ठीक है ना। अब देखिए भारत में जो सड़कें आज हम देखते हैं वर्तमान समय में, तो ये जो वर्तमान समय में सड़कें बनी हैं ये भी तो एक किसी न किसी प्रक्रिया के थ्रू ही बनी है। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ कमेटी बनी है, कुछ कमेटी ने कुछ, जैसे कि मान लो कुछ कार्य करना है, कुछ कार्य करने के लिए कुछ कमेटी बनती है, फिर लोग आते हैं, ठीक है, उस कमेटी में नए नए देते हैं आइडिया, फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर आइडिया में कुछ कमी हो तो एक और कमेटी बनती है जो उस आइडिया को, उस कमी को दूर करती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है ना। इसी तरह आज हम जो वर्तमान में सड़कें देख रहे हैं हमारी, ये किसी न किसी डेवलपमेंट के थ्रू ही आई है, उसे बोलते हैं हाईवे डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली जो है कमेटी कौन सी है, जैकार कमेटी। देखिए यहाँ पे एक पूरा टेबल बना हुआ है कौन कौन सी कमेटी थी, तो जैकार कमेटी, सेंट्रल रोड फंड, इंडियन रेड कांग्रेस, ठीक है, सेंट्रल रोड CRRI, मोटर व्हीकल एक्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकेंड 20 ईयर प्लान, हाईवे रिसर्च बोर्ड, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना, NTPC, एंड थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। तो ये आपको जो ये एक टेबल है ये आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है और इसको ध्यान रखना है कि कैसे हुआ था, ठीक है। लेकिन अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई ये डेवलपमेंट हुआ वो किस तरह से हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे कौन कौन सी सड़कें होती हैं, कितने प्रकार की सड़कें बनती हैं, और आज हम कौन सी सड़क यूज़ कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और ये है हमारे देश में जो सड़कें बनी थी उसका मेन मकसद क्या था, उस किस तरह से सड़कें बनाई गई, ठीक है। तो आइए पहला पढ़ते हैं हम जैकार कमेटी को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी ने तो PW डिपार्टमेंट बनाया कि सड़कें बनाएंगे, ठीक है, ऐसा काम करेंगे वैसा काम करेंगे, तो उसने अपना यूज़ के लिए काम किया। लेकिन 1927 में क्या हुआ था, जब आप लोगों को पता होगा कि भाई जब हमारे देश के जो प्रतिनिधि हैं वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनके पार्लियामेंट में जाने लगे, ठीक है ना, भारत में जो हमने बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट बन रही थी उसमें उनकी भी भागीदारी होने लगी, तो एक कहीं ना कहीं आफ्टर गांधी, गांधी जी के बाद भी कई लोगों में हमारे क्या बोलते हैं बड़े बड़े पदों पर इंडियंस भी जाने लगे। तो उससे क्या हुआ कि बाद में हम लोगों ने बोला कि आपने जो करना था वो कर लिया, ठीक है ना, अब हम करेंगे। तो ये है मिस्टर MR जयकार, ये बोल रहे हैं कि अब हमारी चलेगी, ठीक है ना, आपने जो करना था वो कर लिया, अब जो हम डिसाइड करेंगे वो इंडिया में होगा। तो अब कह सकते हैं कि 1927 के बाद में हमने सड़कों को जो बनी है उसमें एक अपना मोटो भी शामिल हो गया कि भाई ठीक है भारत में सड़कें बनेंगी, लेकिन उनका उनका मोटो तो है ही, उनको व्यापार के लिए अपना चाहिए, लेकिन हमें अपने भी देश में विकास करना है, इसलिए हमारे देश का व्यक्ति था MR जयकार। और ये है, ये बोलते हैं अब मेरी चलेगी, ठीक है। तो इनकी कैसे चलेगी, देखो ये जो जयकार कमेटी बनी 1927 में, ये हुआ क्या, देखिए आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, पहले जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, ठीक है, उस प्रथम विश्व युद्ध से क्या पता लगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जो सड़कें हैं वो बनी थी, सड़कों के माध्यम से बड़े बड़े टैंक ले जाए गए, बड़े बड़े वार जो होते हैं है ना, बड़े बड़े वार के जो हथियार होते हैं वो ले जाए गए। तो ये बोला कि भाई, कि ये बोलते हैं कि भाई वर्ल्ड वार के बाद सबको पता लगा कि भारत में अभी भी सड़कों की जो कनेक्टिविटी और होनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ 1927 में, ठीक है, 1927 में क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था जयकार कमेटी, ठीक है ना। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जितने भी कमेटी बनती है जैसे कि बासवान कमेटी या जो भी कमेटी आप पढ़ते हो न्यूज़ में पढ़ते हो, तो उस कमेटी का नाम हमेशा उस कमेटी के चेयरमैन के नाम पे होता है, ठीक है ना। यानी कि ये जयकार कमेटी है तो इसका जो चेयरमैन होगा उसका नाम जयकार ही होगा, उसका नाम था, इनका नाम था श्री MR जयकार। तो ये MR जयकार इनके चेयरमैन थे इस कमेटी के, ठीक है। तो इस कमेटी का मकसद क्या था, ये कमेटी बैठी, डिस्कशन हुआ, और भारत में सड़कें हमको इम्प्रूव करनी है, उसका मेन मोटो क्या रहेगा, सड़कें कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसके नए नए आइडियाज़ दिए जाने लगे, ठीक है। तो फिर उसमें पहला बोला गया कि जो रोड डेवलपमेंट इन कंट्री है शुड बी मेड इन नेशनल इंटरेस्ट, क्या होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट, ना कि लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या था, इस लाइन का हिंदी में तात्पर्य ये है कि जब हम सड़कें बनाएंगे ना भारत में, तो उसको आप एक नेशनल इंटरेस्ट पे लो, ठीक है। और इसको बात करें तो देखिए
अगर मान लो लेट सपोज बीकानेर की बात करते हैं, उस समय की, पुराने समय की, मान लो पुराने समय में 1927 में मान लो बीकानेर में मान लो कोई और राजा का भी राज था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स भी थे यहाँ पे। तो उस समय मान लो कि अगर मान लो प्रिंसली स्टेट्स में कोई सड़क सड़क है, ठीक है, और वो सड़क सपोज मान लो कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काम आ रही है, लेकिन हम बोलते हैं हमारा क्या काम है, तो बीकानेर वाले उसको डेवलप नहीं करेंगे। या ऐसा बोल सकते हो कि भाई सेंटर वाले उस पर ध्यान ही नहीं देंगे कि बीकानेर सड़क काम से हमें क्या मतलब। तो बोला कि अगर आपको देश को एक साथ जोड़ना है, अगर देश में विकास करना है, तो आपका जो रोड डेवलपमेंट कंट्री है वो होना चाहिए क्या, नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। कौन सा इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट, ना कि लोकल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बोलते थे कि भाई अगर मान लो जो लोग सड़क, हम सड़क बनाएंगे पूरे इंडिया में, और लोग जो सड़क यूज़ करेंगे, अब देखो सड़क बनाने में पैसा लगता है ना, सड़क बनती है तो इतने आदमी काम करते हैं, इतने लेबर काम करती है, इतना पैसा लगता है, इतने इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, तो सड़क बनाने का एक बहुत महंगा काम होता है, तो उस काम में पैसा लगता है। अब पैसा लगता है तो फिर उस पैसे की भरपाई कैसे हो? तो बोले कि भाई हमें काम करेंगे जो लोग रोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनके पेट्रोल गाड़ी में भरवाएंगे तो वहाँ पे हमें टैक्स लगा देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए रोड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास फंड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो दो बातें उन्होंने बोली, एक तो बोला राष्ट्रीय लेना चाहिए, दूसरा बोला उन्होंने हमें फंड बनाएंगे और उस फंड जो होगा वो नेशनल इंटरेस्ट पे लिया जाएगा। तो जयकार कमेटी के ये दो पॉइंट हो गए थे, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक्स्ट्रा टैक्स तो हो ही गया। फिर बोला टू एस्टेब्लिश ए सेमी ऑफिशियल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन टू पूल टेक्निकल नॉलेज एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज टू एक्ट एज एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। अभी कि बोला कि भाई उसके अलावा क्या करना है कि हमें सड़कें बनानी है, सड़कें बनाने के लिए हमें एक टेक्निकल एडवाइजरी टीम भी चाहिए, उसके लिए कमेटी चाहिए। तो बोले एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाओ जो टेक्निकल जो भी रोड के एक्सपर्ट्स हैं उसको समझ को बता सके, ठीक है ना। एक वर्ड आएगा CRF, सेंट्रल रोड फंड, वही यहीं से ही जेकार कमेटी की अनुशंसाओं से ही बनाया गया था, ठीक है। CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी इससे बना था। IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, वो भी बनाया गया था। तो ये सब आगे हम पढ़ेंगे, तो सारे इसी से ही, मतलब जेकार कमेटी ऐसी पहली कमेटी थी जिसने स्टार्टिंग की कि हमें ये करना, और उसी के बेस पे अन्य कमेटियाँ बनाई गई, ठीक है ना। अगे टू क्रिएट ए नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन टू कैरी रिसर्च डेवलपमेंट वर्क एंड कंसल्टेशन, मतलब एक रिसर्च काम करना है, सड़कों का विकास करना है, तो सड़कों में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, क्या क्या नए आइडियाज़ को हम उसमें ले सकते हैं, ये सब बनाने के लिए एक सेंट्रल लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया, ठीक है ना। ये किसके अंदर आया? जयकर कमेटी के अंदर आया था, ठीक है ना। तो अभी तक हमने देखे इसके 3-4 पॉइंट थे। पहला बोला कि भाई रोड को एकदम नेशनल इंटरेस्ट लो, फिर बोला कि पेट्रोल पर टैक्स लगाओ, थर्ड बोला कि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाओ, फोर्थ बनाया कि भाई रिसर्च वर्क के लिए भी एक कंसल्टेशन कमेटी बननी चाहिए, ठीक है। ये सब इसके पार्ट थे, CRRI के पार्ट, ठीक है ना। अब देखिए इसी में जब ये कमेटी बनी तो इसकी कमेटी की अनुशंसाएँ जब ली गई तो उन्हीं अनुशंसाओं को आगे उपयोग करते हुए, या हम बोल दें कि इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को मानते हुए आगे जो विकास किए गए वो ही इस प्रकार से हैं। देखिए पहले देखिए सेंट्रल रोड फंड CRF, देखिए IRC 27 में, सेंट्रल रोड फंड 1929 में, इसने बोला कि भाई कंज्यूमर ऑफ पेट्रोल वर चार्ज एक्स्ट्रा 2.64 पैसा पर लीटर पेट्रोल, यानी कि वो ये बोला कि भाई हमें सड़कों के डेवलपमेंट के लिए जो भी व्यक्ति पेट्रोल डलवाता है पर लीटर का, उस पर पर लीटर पे 2.64 पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है ना। ये किसकी थी? IRC के सॉरी अपना जो है ना जयकार कमेटी के बाद सेंट्रल रोड फंड, उसमें ये बात बोली गई, ठीक है। फिर इसके अलावा बोला कि भाई ये जो पॉइंट्स हैं ये हम क्यों करेंगे, ताकि हम जो हमारे गवर्नमेंट का है वो रेवेन्यू है, ठीक है ना, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो ये फैक्टर इसमें सेंट्रल रोड फंड में आए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ IRC, देखिए इंडियन रोड कांग्रेस, IRC इंडियन रोड कांग्रेस की बात करें तो एक सेमी ऑफिशियल बॉडी है, अर सरकारी बॉडी है, और ये IRC 1934 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। इसने क्या बोला? इसने बोला कि भाई अपने जो भी हाईवे के मेंटेनेंस हैं और उसमें नए नए आइडियाज़ हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको हम बताएंगे, ठीक है।
ये एक एक्टिव बॉडी है, ठीक है, तो क्या करती है स्पेसिफिकेशंस को, स्टैंडर्डाइजेशन को, जैसे कि आगे जब आप कभी भी रोड का करते हैं डिज़ाइन तो आप पढ़ोगे आईआरसी कोड, आईआरसी कोड, आईआरसी यानी इंडियन रोड कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी वाला कांग्रेस नहीं है, ये इंडियन रोड कांग्रेस की एक कम्युनिटी बनी है। तो ये करती है, ये जो आगे फ्यूचर में जो भी होती है, क्या बोलते हैं हम, डेवलपमेंट होगा, रिसर्च होगा, कैसे कैसे व्हीकल्स बनेंगे, व्हीकल्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये सारे के सारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो इस आईआरसी में ही दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपको प्रोसेस को समझना है कि भाई आईआरसी क्या है और आईआरसी का मेन मोटो क्या था, तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, इस तरह से होगा, ठीक है ना। इट पब्लिश जनरल रिसर्च पब्लिकेशन, जनरल रिसर्च पब्लिक रिसर्च पेपर पब्लिश करेगा, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस भी देगा, तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया, ठीक है, 1939 में, तो 1939 में बनाया गया, ठीक है, रोड के ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया, ठीक है। इसमें बोलता है कि भाई थ्री फेज प्राइमरी कवर्ड, यानी कि ड्राइवर, व्हीकल ओनरशिप एंड व्हीकल ऑपरेशन, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट जो बनाया गया था, जैसे कि आज कल आप लोग देखते हो कि मोटर व्हीकल एक्ट पे बोल रखा है कि भाई है ना दो हेलमेट पहनने चाहिए, जो भी रोड के सेफ्टी नियम्स होते हैं सभी इसी में आते हैं, तो इसको रिवाइज किया गया 1988 में और कुछ नए क्लॉज़ में जोड़े गए थे, ठीक है ना। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट 1939, अभी तक हमने पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है जैकर कमेटी 1927, फिर 1929 में सेंट्रल रोड फंड, फिर 1934 में आईआरसी, फिर 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट। देख रहे हो आप, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, ये आइडिया सारे आए कहाँ से, 1927 यानी कि जैकार कमेटी के अनुशंसाओं से ही ये डिपार्टमेंट आगे बनाए गए थे, ठीक है ना। यानी कि मेन जो काम किसने किया था, जैकार ने, यानी कि हम अगर पहले से तो फर्स्ट राइड में जो काम किया गया था वो किसने किया, जैकार कमेटी ने बोला था ना अब हमारी चलेगी। तो अब हमारी कैसे चली, जब हमने स्टार्ट किया यहाँ से तो आगे आगे और डेवलपमेंट हमारे द्वारा ही किए गए, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने आपको चार डेवलपमेंट बताए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे वाले भी कुछ पॉइंट्स को उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसको वीडियो को ढंग से देखना, पूरा कंप्लीट करना, और नोट्स जो यहाँ से मैंने बताया आपको हिंदी बोल के आप लिख लेना, ठीक है ना। तो और हाँ, किसी स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि बुक कौन सी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर बात करें इंग्लिश, इंग्लिश में बुक आती है हाईवे की, खन्ना, खन्ना एंड अगर आप देखिए मैं लिख देता हूँ वहाँ पर, तो खन्ना एंड जस्टो की आती है, ठीक है, ये तो होती है इंग्लिश, ठीक है ना। और बात करेंगे हिंदी में तो आती है गुरुचरण सिंह की, गुरुचरण सिंह की, गुरुचरण सिंह की हिंदी में बुक होती है, ठीक है ना। तो अभी सो फार आप लोगों को यही बुक देखनी है, ठीक है ना। खन्ना एंड जस्टो तो हो जाएगी आपकी इंग्लिश में और गुरुचरण सिंह हिंदी में, तो आप लोग बुक परचेस कर लेना, ठीक है, और उसमें जो बता रखा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।